गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हेलो, हाउ आर यू? फाइन, माई सेल्फ भविन सर। टुडे वी आर टुगेदर फॉर स्टडी ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड। यू आर एट होम, बट आई होप यू आर डूइंग वेल। वट एवर वी आर गिविंग टू यू, स्कूल में से जो देती है वो सब आप करते होंगे। And last time so many students had not completed homework. So all the students must be complete and then send in me the copy of the photo or write in comment box, sir, I had completed. Some students had done it. Very good. Now see, about this topic we have to go ahead. Standard 5 maths, shapes and angles, chapter 2. Already we have started. So now, dear students, we have to learn here the different angles. The three types of angles we have learned: right angle, less than right angle, and more than right angle. अब right angle को तो 90 degree होता है, right angle बोलते हैं. Less than right angle को acute angle बोलते हैं. And more than right angle को obtuse angle बोलते हैं. Acute angle, less than right angle मतलब between 0 to 90 degree के बीच में जो जो आएगा उसको less than right angle बोलते हैं. More than right angle मतलब 90 से ज़्यादा और 180 से कम. Now I will teach you the same topics. The right angle, less than right angle, more than right angle in the form of clock. और आपको ऐसी clock draw करके, I will give you homework, ऐसी clock draw करना है आपको. आप चाहे circle draw करो, square draw करो, any clock you draw it, but you draw right and then do this way. So see here, this is 12:15. और जो मैंने सिखाया था ऐसे, अगर ऐसे है, बराबर. So this is right angle. This type of hands are there. It's right angle. ये दो hands ये straight है. पट्टा 90 degree में perpendicular. So right angle. अगर दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो less than right angle. और एक दूसरे से दूर जाएंगे तो more than right angle. हमने last time से किया था. तो वो ही यहाँ पे repeat करना है once again. So this is 12:15, right? So this is 90 degree. यहाँ पे 90 डिग्री जैसा होता है. सी दिस इज 90 डिग्री जैसा होता है, राइट? दिस इज 90 डिग्री राइट हियर. सो दैट्स व्हाई इट इज राइट एंगल, राइट एंगल. नाउ यू सी, ये एक दूसरे को मिलते हैं, राइट? दैट इज लेस देन 90 डिग्री. 90 से कम है. आई विल लाइक ऑनली लेस, लेस टाउन शॉर्ट राइट, लेस 90. चलो लेस 90 मिल गया, तो लाइक 90 से कम है. दैट्स व्हाई इट इज लेस देन राइट एंगल. और दोनों मिलते हैं कितनी बजे इसमें? 1:15. तो मैक्सिमम 10 मिनट है इसके अंदर. 15 मिनट्स है, 15 मिनट्स आपको मिलती है. और इसके अंदर सी ये 5 और 5, ओनली 10 मिनट्स टू गेट, राइट? सो लेस देन 90 इट्स अ लेस देन राइट एंगल, दैट इज 1:15. नाउ 10:15, देखो 15:15 ही है. ऐसे नहीं कि 1:15 में लेस देन 90 आया तो दूसरे में लेस देन 90 आना चाहिए. नहीं, यू सी द डिस्टेंस बिटवीन टू क्लॉक, टू हैंड. ये दो हैंड के बीच में कितना डिस्टेंस है? अब देखो ये दोनों क्लॉक, दो हैंड ऐसे जाते हैं. सो वी कैन से इट इज मोर देन 90 से ज़्यादा है, राइट? सो एंड सी, ये दोनों के बीच में कितने नंबर है? देखो ये 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, पिछले 5, 5, 5, 5, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 10, 20 and 25 मिनट्स बीच में है. बट इट इज 10:15. हमको तो यही देखना है कि अगर दो हैंड ऐसे स्ट्रेट है तो राइट एंगल, दोनों हैंड एक दूसरे से, एक दूसरे की तरफ झुकते हैं,
तो लेस देन 90 डिग्री राइट एंगल और दोनों हैंड एक दूसरे से दूर जाते हैं तो मोर देन 90 डिग्री, मतलब मोर देन 90 डिग्री राइट। आप खाली ये तो आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, यू हैव टू ड्रॉ करेंगे तब जाके पता चलेगा। ऐसे नहीं कि 150 में राइट लेस देन 90 आया तो 1050 में भी लेस देन 90 आएगा, 1015 में लेस देन 90 मोर देन 90 आएगा, 1115 में भी मोर देन 90 आएगा बराबर। ऐसे 815 होगा तो भी मोर देन 90 आएगा, 715 होगा तो भी मोर देन 90 आएगा। अब लेस देन 90 के बारे में बात करूँ तो 115 लेस देन 90, 215 लेस देन 90, अगर 415 लेस देन 90, 515 लेस देन 90, 615 वो लेस देन 90 होगा, वो राइट एंगल हो जाएगा, वो ऐसे नीचे आएगा। सो अंडरस्टूड दिस, हमको तो ये येलो कलर की मैंने जो हैंड को ड्रॉ किए वो हैंड को ही दिखना है, कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस हैंड और उसके ऊपर से टाइम और टाइम के ऊपर से बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन टू हैंड वो डिसाइड करो। ओके नाउ 9 o'clock, सो 9 o'clock इसमें इस तरफ का है 90 डिग्री, दैट्स व्हाई इट इज राइट एंगल। दिस इज सी इट इज 6:15, ये 6:15 है राइट, वी गैन ऑन 6 एंड स्मॉल एंड 3 सॉरी इट्स नॉट 6:15, आई विल ड्रॉ हियर 6:15 दिस इज 3:30, 3:30, सो हमको तो ये बीच का देखना है, ये ऊपर का टाइम लिख दिया हमने, लेकिन 3:30 है ये टाइम देखना है, इट इज 90 डिग्री राइट। देन यू सी दिस इज इट इज 3:25 है बीच में टू दिस, ये छोटा होता है सो लेस देन 90 लेस देन राइट एंगल, और यह से दूर जाता है इसके जैसा राइट, सो इट इज मोर देन 90 से ज्यादा हो गया, एक्चुअली वो 11:30 है, बट ऐसा मत समझ ले रहा कि भाई 30 आए तो इतना 9:45 इतना, ऐसा नहीं। आप क्लॉक ड्रॉ करो और ड्रॉ करके ऐसे उसको देखो राइट एंगल में क्या होता है राइट। सो दीज आर द एंगल्स वी कैन आइडेंटिफाई बाई यूजिंग ऑफ क्लॉक, क्लॉक के अंदर जो तो हैंड है उसको हम डोर पे ड्रॉ करके ऐसे आप समझ सकते हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आई विल गिव यू सम मोर होमवर्क रिलेटेड विद दिस एंड यू मस्ट हैव टू राइट दिस, और लिखने के बाद हमारे मेरी यूट्यूब चैनल पे लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो, और सब्सक्राइब करोगे तो सब वीडियो आपके अकाउंट में आ जाएगा, एंड यू राइट द कमेंट बॉक्स आई हैव कंप्लीटेड द वर्क सर, अपना नाम लिख के, कई बच्चों ने अपना नाम लिख के मुझे कमेंट की है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर देम राइट एंड वेरी गुड फॉर डन होमवर्क, बट कुछ लोग नहीं करते सो दे मस्ट राइट इट। ओके so everyone must draw this all clock, ये वीडियो में नज़दीक से आपको वन बाय वन क्लॉक नीचे बताता हूँ, आपको ये क्लॉक वीडियो पॉज करके दौड़ना है नोटबुक में राइट। एवरीवन मस्ट ड्रॉ दिस क्लॉक एंड यू हैव टू ड्रॉ मोर क्लॉक ऑल्सो। वीडियो पॉज करके आप दौड़ सकते हो, दौड़ सकते हो नहीं, दौड़ना ही है कंपलसरी एज ए क्लास वर्क। देन नाउ आई हैड गिवन रिटर्न सम मोर रिजल्ट, इसके रिलेटेड कुछ रिजल्ट लिखा है तो इसको भी खास करके हम ड्रॉ करेंगे तभी पता चलेगा। यू मस्ट ड्रॉ टाइम अकॉर्डिंग टू दिस टाइम द राइट फिगर क्लॉक
और क्लॉक ड्रॉ करोगे तो ही आपको पता चलेगा कि राइट एंगल किस में है, लेस एंगल लेस देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री किस में आता है। एवरीवन स्टूडेंट्स राइट दिस, गुड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, एंड नेक्स्ट टाइम सी जो मेजरमेंट एंगल मेजरमेंट करने का प्रोटेक्टर होता है वो प्रोटेक्टर लेके बैठना है आपको। एंगल मेजरमेंट करने का प्रोटेक्टर होता है बराबर, एंगल ड्रॉ करने का प्रोटेक्टर, वो प्रोटेक्टर आपको सबको लेके बैठना है और हम वो प्रोटेक्टर से एंगल ड्रॉ करेंगे। ओके, गुड बाय।